हे फैमिली, आप सभी का वेलकम है डीके वंदना के ब्लॉग पे। आई होप ये अच्छे और मस्त होंगे। तो हम सब भी अच्छे और मस्त हैं। आज गुन्नू का है बर्थडे यानी कृतिक का, तो सब लोग कर रहे हैं तैयारी जोरों शोरों से। और जितना भी पार्टी मना है, रुद्र अभिषेक और सुंदरकांड, अब है बर्थडे की बारी। और सारे कार्यक्रम जो है अच्छे से सब लोगों ने खूब इंजॉय किया है। जितने भी यूट्यूबर आए हैं सब लोगों ने काफ़ी खूब इंजॉय किया है। तो यहाँ आ गए हम लोग घर के लिए कुछ सब्जी लेने के लिए, जो कि सबके लिए। हाँ, इधर हमारे बड़े साले साहब आ गए हैं, देख सकते हैं सब्जी वब्जी ले लिया। लाओ फैला दे दो मुझे भी एक। नहीं कहेंगे वो काम कर रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हो। नहीं नहीं हद करते हो आप भी। नहीं सोचना पड़ता है, हम तो खुद ही भाई हमारा ये काम है, तो ये भी ध्यान देना पड़ता है ना। भले आप लोग भी कुछ भी कमेंट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसा देखते हो वैसा कमेंट करते हो। तो चलिए, हम लोगों ने ले लिया सब्जी और इन्होंने ले लिया है कुछ राशन का चावल उवल। तो मिलते हैं अब घर पर, बने रहिए वीडियो पर। हाँ छोड़ दीजिए। तो हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे भाई साहब हलवाई लगे हुए, इनको दे देते हैं सारा सामान। ये लो भैया, अपना कार्यक्रम स्टार्ट करो आप जो बनाना है। और यहाँ पे सारी व्यवस्था है खाने पीने की। नाश्ता आपका तो बोल रहे हैं 11 बजे। आराम से तैयार। तो यहाँ सब लोग सो के उठ गए हैं और सभी को गुड मॉर्निंग। चाय वे भी हो गया है, बाकी सब लोग यहाँ तैयार हो रहे हैं। कुछ लोग घूमने की भी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन जो है रात में है। और इधर हमारे अंकुश भाई भी आ गए हैं सर। काफी अच्छा लगा, ये लोग रात में गए थे, 2 बजे रात को घूम के आए इंडिया गेट से। आज फंक्शन के बाद जाएंगे ताजमहल देखने। और अंकुश भाई के लिए काफी कमेंट आ रहा है कि अंकुश भाई वीडियो की जान है। अंकुश भाई जहाँ रहते हैं छा जाते हैं, इनकी मुस्कान ही भाई साहब पूछो ही मैं। मजे ले रहे हो आप, मजे नहीं, आपकी मुस्कान अच्छी है, आप एकदम खुश मिजाज को अच्छा लगता है। लेकिन मेरी बीवी को नहीं लगता, पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाती है। मेरी बीवी खुद कहती है ज्यादा नहीं करते हो, ज्यादा करते हो। मैंने कहा तुम्हें कभी पसंद ही नहीं आऊंगा सामने वाला पागल हो रहा है मेरे को देख देख के, तुम्हें तुम कह रही हो तुम्हें। और क्या, हर कोई फिदा हो जा रहा है हमारे ऊपर, ऐसे ही होता है। चलिए, ये साले साहब लगे हुए अपना फोन में, और चलते हैं देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं इधर। तो यहाँ मनीषा तैयारी कर रही है अपना, चलते हैं वंदना जी से मिलाते हैं। क्या वंदना जी कैसी है? चंदन भी तो कहने लगे श्री शिवाय। मैं बोलती हूँ सबको, चंदन मत बोलिए डीके जी को। चंदन कोई नहीं जानता। सुनिए, श्री शिवाय नमस्तु भी बोले, कोई भी काम स्टार्ट करो श्री शिवाय नमस्तु भी हम इसे करते हुए तब सब काम का स्टार्ट करो, बस उनका नाम जपो और काम स्टार्ट करो। अच्छा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव, भोले बाबा सबकी इच्छा मन की मुराद पूरी करे। होगा भी देखना, मार्च 2025 मार्च 2025। ये नहीं, ये दुआएं इसलिए नहीं लग रही है, कोशिश नहीं कर रही है। तो गाइस, ये दुआएं क्यों मनीषा को दी जा रही है? मनीषा को भी जल्दी से एक बार, अब ये कोशिश कर रहे, तब ये मौका है कि सब लोग मनीषा के घर इकट्ठा हो। लाल हो पुलवा के दी, मनीषा घर में था और सारे हो जाते बाप रे। हाँ, सही बात, मनीषा ने दे दी सबको खुश खबरी। ऐसा घर भी बनवा रखा है ना, बड़ा बड़ा घर। हाँ, बड़ा बड़ा घर बनवा रखा है, नहीं ऊपर मतलब ऊपर नीचे है ना करके मिला के घर। उनका घर बहुत बड़ा है। कैसे मनीषा सब साफ सफाई करती है? इतना बड़ा नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा है, इस बिल्डिंग से तो बड़ा नहीं है। अरे तो बिल्डिंग की मतलब ये जगह कितना है, स्पेस है, स्पेस है इतना चढ़ा चढ़ा, तो इनका सीढ़ी है ज्यादा रखने की। जितने सारे छोटे छोटे सबके बच्चे वो जाके थोड़ा, मैं देखती हूँ ना वीडियो, देखती हूँ कि स्पेस है, हवेली है, हवेली इनका घर हवेली जैसा मस्त। चलो कभी मौका मिलेगा तो हम भी चलेंगे। आप तो आती नहीं है, मौका मिलेगा करती। नहीं मनीषा, दो मनीषा करे गर्मी छुट्टी मेरे की आ जाए करे। बोला हमको भी ले जा रही थी सचिन, सचिन कहे चलो मम्मी चले पार्टी में, ऐसे थोड़ा लोग काम के लिए आता है।
इनका घर उल्टा पड़ता है, उल्टा सीधा से नहीं बात है, उल्टा सीधा प्यार होना चाहिए। जब लियागी चले दूर दूर चले जाते हैं, मगर जब कोई लिवाकर जाएगा तब तो चलेंगे। आप गाड़ी में बैठेंगे तो खुद वो सब लोग दिल्ली में आके बस रहे हैं, तुम जाके एकदम कोने में बस गई हो। ऊपर वाला फ्लैट मैंने सचिन का है, सचिन का कमेंट आ रहा है, हम सचिन भाई गेम खेलने मजा आई जाए। देखो फ्लाइट पकड़ना होता है, दिल्ली आना पड़ता है, घूमना आना है तो दिल्ली आना है। नहीं ऐसा नहीं है, इतने दूर से बताओ सचिन भाई नहीं गए थे। जाना होता है तो उधर ही जाना पड़ता है, मनाली जाना होता है तो उसी साइड, नहीं तो मुंबई जाना रहता है किस साइड जाना पड़ता है। हमारे कैसे 4 घंटे 3.5 घंटा पक्का, 3.5 घंटा हमारा नहीं है। पहले मैं चलूँ 3.5 घंटा पूरा मैं, ये देखो एक बच्चा इधर है, एक बच्चा उधर है, दो बच्चा को लेके मैं इतना दूर कैसे ट्रेवल करूंगी। जब बच्चे रहते हैं तो बच्चा को लेके कैसे जाऊंगी, नहीं रहता है तो काम को लेके नहीं जाऊंगी। नहीं कुछ फंक्शन, चलिए और सबको दिखाते हैं, बाकी बातचीत तो होती रहेगी। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और इधर आ गए हम कमरे में, तो यहाँ मम्मी जी भी बैठी हुई है, अपना बॉम्बे का हाल समाचार ले रही है। बैठ के बात कर रहे हैं, अपना दुख सुख बता रहे हैं, सुख दुख बतला रही है। हाँ भाई कहाँ मिलेंगे फिर, चले जाएंगे फिर, मजा नहीं आता बात करने। जहाँ कोई आता जाता नहीं, फोन पे कितना बात करेगा, जैसे ऐसे मिल के बात करने में अच्छा रहता है। बॉम्बे हम खुद ही नहीं गए, जब से शादी हुआ, शादी जब हुआ तो तभी गए थे, उसके बाद से कहाँ गए, बॉम्बे नहीं गए। अच्छा नहीं गए, गए थे ना क्या? नहीं गए, कहाँ गए, हर बार सोचते हैं गणपति पे जाएंगे जाएंगे, लेकिन नहीं गए, प्लान ही फेल हो जाता है, सोचा हुआ काम नहीं होता ना। जो झटके पटके हो गया काम हो गया, सोचा हुआ काम नहीं होता ना। सही में हम भी सोचते हैं, हम हमेशा आते थे दिल्ली जाएंगे, फंक्शन में रह जाते हैं फिर निकल जाते हैं, काम हो जाते थक जाता फिर हिम्मत नहीं होता। तो इधर हमारी प्राची आ गई है और प्राची कर रही है तैयारी मेकअप करने का, पार्टी के लिए तैयार, पार्टी के लिए तैयार होने के लिए। अरे फेस तो दिखा दो प्राची, सो के आई है प्राची ना प्राची। तो मुझे लगा सब सो गए होंगे इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, डेढ़ बज गया था ना जयमाल वाले, और देखो मुझे पहले उठ के कपड़े लाए, वही मैं बोला था, हमने बोला था रात को आने के लिए, अभी आ रही हैं। किसी ने फोन किया मुझे ना, इन लोग का नंबर लेना चाहिए था। अच्छा लगी होगी किसी ने फोन उठाया, सबको पता है कि आप वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब करना आपको। मैं यहाँ क्या रो रही हूँ क्या आंटी, आप कहाँ रह गए तो भाई साहब यहाँ आ गए हैं हमारे भाई, और ये है हमारे मौसी के लड़के। मेरा बचपन गुजरा है पूरा भोपाल में, और उसी मैंने पूछा था छोले भटूरे मिलते हैं वहाँ भोपाल में, क्योंकि तू छोले भटूरे बताओ कैसे है, सच्ची न्यू मार्केट के छोले भटूरे, और यहाँ से बहुत सादियाँ नहीं रहते, फिर भाभी हो गई भैया, भाभी हो गई, चेंज हो गया रिश्ता। पता है मैं स्कूल जाती से पूछे सिसौरिया कौन सा, मैंने कहा आप लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप का। चिट्टो के किचन में आ गई है नीतू जी, क्या बनाने जा रही हैं? चाय, भोपाल की चाय, भोपाल की चाय। अभी तो ये होती है, बताओ बच्ची से पूछ लो तू दीदी, एक बार दीदी का बर्थडे नहीं लग रहा, शादी चल, गूगल पे सर्च मारिए कैसे चलाए इसको। मैंने ना अपने बेटे की शादी के लिए ना लिस्ट बना ली, देखिए कहाँ चल रहा है, कहाँ नहीं चला, नहीं चला ना, ऑन ऑफ ही हो रहा है बस, वो सबसे ज्यादा मेरे जिंदगी के मामा लोग करते हैं, नहीं हो रहा कहाँ, ये चलेगा कि नहीं इसके ऊपर, हाँ कुछ ऐसा हमारे इसी पे तो बना रहे थे कल, अरे अब चला रही थी कल, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं। मैं चलाई थी, ये हो गया, चल गया, देखिए पानी डालो इसमें, पहले इसमें पानी करो, पीने का पानी डालो, ये होगा ना इसमें पानी है, सही है साथ में क्या पानी, आठवां फ्लोर पर आ जाइएगा, 803 है, ठीक है। नहाने का पहले सब किया, तो मैं कब से तावल लगा के घूम रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि मेरा नंबर कब आए, कब आएगा, और क्योंकि लेडीज जो है देख सकते हैं सब लोग ये नहा नहा के निकली हुई हैं, और क्योंकि इनको मेकअप करने में टाइम लगता है, हम लड़कों को क्या है कि नहा के निकलो बस क्रीम लगाओ और पैंट शर्ट पहनो तैयार हो जाओ, तो इसलिए मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ। अभी अभी स्वाति आई तो वो गई है नहाने के लिए, बाकी ये सब आई है, ये सब भी नहावा के निकली हैं, अब वेट कर रहा हूँ कि वो निकले तो मैं जाऊँ, फिर कोई ना आ जाए भैया एक मिनट रुक जाओ मुझे नहाना।
तो चलिए हंसी मजाक चलता रहेगा और वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। नाड़ा ब्रू हाँ। बोल दो एक बार हाय गाइस। क्या हाँ, तो मिलते हैं बहुत जल्द न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।